आप बता देना कमेंट में इस वीडियो को देखने के बाद कि सच में क्या सारे प्रेडिक्शन गलत हो रहे हैं, क्या काउंसलिंग खत्म हो गई? नहीं हुई ना, लेकिन काउंसलिंग खत्म नहीं हुई, पिछले साल भी बच्चे आके बोलने लगे थे सारे प्रेडिक्शन तो गलत है। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ, सारी अपडेट आपको देता हूँ, आइजर काउंसलिंग के लिए भी, नाइजर काउंसलिंग के लिए भी। नए यूट्यूबर्स आए हैं, हर एक राउंड में आपको प्रेडिक्शन देते रहते हैं और फिर अगले राउंड में जब डेटा आता है तो बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई थी। कमिंग टू द फ्यूचर अपडेट्स ऑफ द आइजर काउंसलिंग, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कट ऑफ थोड़ा हायर हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आइजर्स ने काउंसलिंग खत्म कर दिया, एक बार सेशन स्टार्ट हो गए, देन पीपल विल विथड्रॉ सीट्स, बट स्टिल देयर विल बी नो फर्दर काउंसलिंग एंड सीट विल रिमेन वेकेंट। आप देख सकते हैं। They sell fake promises and give guarantee on how their predictions are 99% accurate, but they are not. Their predictions on cutoff are mostly not accurate. When the result contradicts their prediction, they don't address it. After that, they move on to influence the student who are giving the exam in 2024. Don't fall for this. पिछले कुछ हफ्तों से हमें इतने ज़्यादा हेट मैसेजेस और अब्यूजेस मिल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, और ये बहुत अच्छा नहीं लगता है आप एज अ स्टूडेंट अगर अपने टीचर के बारे में ऐसा बोलते हो। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, हमने कितनी बार अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला है कि सी दीज आर द डेटा एंड रैंक बाय द एंड ऑफ द काउंसलिंग दैट यू विल गेट सेलेक्टेड इन दीज आइजर्स। सी लॉट ऑफ टाइम्स पीपल इवन अदर यूट्यूब वीडियोज ना, दे इवन गिव यू द प्रेडिक्शन कि इफ यू गॉट दिस मच रेंज ऑफ मार्क्स और रैंक देन यू विल appear in the counseling or in the merit list. We told that in this much marks and this much rank you will get selected, you will get a seat at that ISER by the end of the counseling. And what was the basis for that? First of all, we took data from all of you. हमने इतना ज्यादा मेहनत किया, हर राउंड में एक गूगल फॉर्म बनाया, आपको बोला प्लीज भरो, देन ओनली हम आपको बता पाएंगे। आप सभी हमको रिक्वेस्ट करते थे कि भैया प्लीज बताओ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। हमने गूगल फॉर्म बनाया, आपका डेटा एनालाइज किया। पिछले 3 साल से सायस्त्रा पहला प्लेटफॉर्म था जो आइजर नाइजर के लिए गाइड कर रहा था, अवेयरनेस फैला रहा था, दिन रात मेहनत कर रहे थे। और उस एक्सपीरियंस पे हमने जब ये बोला तो आप तो सेकेंड थर्ड राउंड में ही बोल गए, ऊपर हाथ कर दिए कि सब तो गलत है, सायस्त्रा फेक है, मतलब कुछ नहीं आता हमें, हम बस बच्चों को लूट रहे हैं, राइट? वी आर जस्ट सेलिंग द कोर्सेज, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट, दिस इज वॉट मेनी ऑफ यू बिलीव, राइट? क्या काउंसलिंग खत्म होगी, अब कोई भी राउंड नहीं होने वाले हैं? कितने बार मैंने बोला था कि 4 राउंड से ज्यादा होंगे, बोला था, बट नहीं, आपने तो हाथ खड़े कर दिए, सब फेक है, सायस्त्रा फेक है, राइट? तो दिस इज वॉट यू गिव, दिस इज वॉट यू गिव टू ऑल द मेंटर्स हु हैव बीन गाइडिंग यू फॉर पास्ट इवन मंथ्स एंड ईयर्स। ये है ना, देखो आप तो रेटिंग दे दिए 1 स्टार, जो भी नेगेटिव सा गंदा सा कमेंट दे दिए हमें यूट्यूब में या फिर प्ले स्टोर में दे दिए, वो तो नहीं हटने वाला, आगे जो भी फ्यूचर में स्टूडेंट आएंगे यही सोचेंगे। बट क्या अभी आइजर की काउंसलिंग खत्म हो गई? ये लास्ट ईयर भी हुआ था। पहले तो आप हमसे प्रेडिक्शन मांगते हो, हम खुद इतनी मेहनत करके बोलते हैं भाई प्लीज गूगल फॉर्म भरो, दिन रात हमारी पूरी टीम मेहनत करती है कि प्लीज आपको कोई भी क्वेरी है सायस्त्रा ऐप में मैसेज करो, सायस्त्रा की टीम दिन रात लगी होती है, मैं खुद ट्राई करता हूँ कि आपको मैसेज करूँ, मुझे कमेंट्स भी रिप्लाई करने होते हैं, फिर टेलीग्राम में मैसेज आते हैं, फिर इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं, मैं बोलता हूँ प्लीज एक जगह करो सायस्त्रा ऐप में, और वहां रिप्लाई देते हैं हम, फ्री में देते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता उससे, पूरा हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको गाइड करने के लिए, लेकिन काउंसलिंग खत्म नहीं हुई, पिछले साल भी बच्चे आके बोलने लगे थे सारे प्रेडिक्शन तो गलत है। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ, सारी अपडेट आपको देता हूँ, आइजर काउंसलिंग के लिए भी, नाइजर काउंसलिंग के लिए भी, कि कितना हमारा प्रेडिक्शन गलत हो रहा है या सब फेक है। आप बता देना कमेंट में इस वीडियो को देखने के बाद कि सच में क्या सारे प्रेडिक्शन गलत हो रहे हैं, क्या काउंसलिंग खत्म हो गई? नहीं हुई ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप ये वीडियो देखो हमारा, क्लियरली मैंने बताया हुआ है आइजर पुणे के लिए अगर आपकी 600-800 ऑल इंडिया रैंक है जनरल कैटेगरी में तो आपको आइजर पुणे मिलेगा। एंड इस बार 5th राउंड में क्या आया है क्लोजिंग रैंक आइजर पुणे की जनरल कैटेगरी में 717। EWS में भी हमने बोला था कि 130-180 क्लोजिंग रैंक आ सकती है, एंड इस बार 5th राउंड में ही 142 क्लोजिंग रैंक आ गई है। और इसी तरह बाकी कैटेगरीज के लिए भी हमारे प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हुए हैं, आप जाके जो लेटेस्ट राउंड की कट ऑफ आई है उनको देखो, और अभी भी काउंसलिंग पूरी खत्म नहीं हुई है भाई, प्लीज इस बात को समझो। आप एक छोटा सा जो गंदा सा कमेंट लिख देते हो प्ले स्टोर में लिख देते हो, पूरी रेटिंग हमारी साल भर की 2-3 साल की मेहनत चली जाती है, ठीक है? मुझे पता है कुछ नए यूट्यूबर्स आए हैं, हर एक राउंड में आपको प्रेडिक्शन देते रहते हैं और फिर अगले राउंड में जब डेटा आता है तो बोलते हैं आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई थी। सो मैं ये नहीं करना चाहता हूं कि आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, कुछ भी मैं गलत डेटा दे दूं, क्योंकि इट इज अबाउट योर फ्यूचर।
अगर मैं एक भी प्रिडिक्शन देता हूं तो उसके लिए मैं 3-4 दिन तक पूरी टीम से हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं कि ये सही हो। हम जितने फैक्टर्स होते हैं, जेई की काउंसलिंग, नीट की काउंसलिंग, पिछले साल का क्या डेटा था, आपका इस साल का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, आपके क्या रिस्पॉन्स आए हैं गूगल फॉर्म में, सबको कंसिडर करके हम एक प्रिडिक्शन देते हैं और उस पर मैं शुरू से अभी तक बोलते आ रहा हूँ कि हमने जो वो प्रिडिक्शन बोला था वही हम मानेंगे, अभी तक वो सच हो रहा है एंड एक्यूरेट हो रहा है। हम हर एक राउंड में आपको प्रिडिक्शन नहीं देना चाहते बाकी यूट्यूबर्स की जगह, और बाद में सॉरी बोल दो कि बात खत्म, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये नहीं करना मुझे। और एक बात और है, जरूर है, आईएससी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास के लिए इस बार काफी गलती हुई हमसे भी, ये मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने बोला था पहली बार आईएससी बैंगलोर ले रहा है, पहली बार आईआईटी मद्रास आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट चैनल से ले रहा है, हमारे पास बिल्कुल भी पिछले साल का डेटा नहीं है, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि आईएटी के थ्रू गुड नंबर ऑफ सीट्स एटलीस्ट आईएससी बैंगलोर एंड आईआईटी मद्रास तो लेंगे, लेकिन बहुत ही कम सीट्स ली हैं इस बार उन्होंने, तो ये चीज मैं मानता हूं। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर अपडेट्स ऑफ द आइजर काउंसलिंग, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने डेटा आपको बताया था 3 हफ्ते पहले, मैंने जो वीडियो बनाया था, आपको मार्क्स बताए थे, रैंक्स बताए थे, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट that the prediction is going to be accurate, all of this will be followed. Yes, NEET and state counselings are, you know, getting slightly delayed, and ISERs may end their counseling before NEET and state counseling, right? As a result, cutoff थोड़ा higher हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ISERs ने counseling खत्म कर दिया, एक बार session start हो गए, then people will withdraw seats, but still there will be no further counseling and seat will remain vacant. But still we are confident that हमारा जो prediction था वो काफी ज्यादा accurate होने वाला है, क्योंकि आइजर्स लाइक आइजर कोलकाता और भोपाल ने already अपना session announce कर दिया है कि I think by this month itself, August itself, they will start their session. But yes, you can be at least sure that there will be few more rounds of आइजर counseling. ठीक है, आप उसकी tension मत लो। और मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, आप कहीं भी जाओगे ना, हमसे accurate आपको prediction, data, guidance कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये आप कैसे भी मान लो या ना मानो, आपकी मर्जी है, बट बहुत ही हम्बल तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ, कई बार आपकी जो छोटे छोटे चीजें होते हैं ना, आप भी स्टूडेंट्स हो, मुझे, मैं समझता हूँ आप सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, इसीलिए हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं, बट अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हो तो मुझे भी बुरा लगता है, हमारी पूरी टीम को बुरा लगता है कि हमको ऐसे नेगेटिव फीडबैक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं आप सबसे। चलिए आप बात करते हैं नाइजर की काउंसलिंग के लिए। सो ऑल्दो ऑफिशियली उन्होंने नहीं बताया कि सेकंड राउंड कब होने वाला है, बट हमें लगता है कि सेकंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में सेकंड राउंड हो जाएगा एंड काफी सारी सीट्स वेकेंट होंगी, जिसको फिल करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। अगर नाइजर और ज्यादा राउंड्स कंडक्ट करता है, सो आई थिंक ये जो डेटा है आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में 600-800, ओबीसी में 350-400 कैटेगरी, ओके ओबीसी, देन एससी में 120-150, एसटी में 80-100, सो दीज कैटेगरी रैंक में आपको मिल जाएंगे आइजर की सीट। सो यही था इस वीडियो में, आई होप थोड़ा सा भी चीजें मैंने बोल दिया, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है तो प्लीज मुझे माफ करना, बट बहुत बुरा लगता है, मैं सच बता रहा हूँ, अगर हमें, हम दिन रात ऐसे मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है और हमें वापस में ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं। अगेन सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, अगर आपको कोई भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी है, सारे कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई होप यू गेट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT and NEST का सपना साकार, डाउनलोड दी ऐप नाउ।